हाँ बच्चों नमस्कार। तो आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। वो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव जनन बोलते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में निम्न बातें आती हैं। वो नंबर एक होता है गैमेटो। पहले बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो तो मानव जनन माने कि मानव जनन वह प्रोसेस होती है जिसमें जीवधारी जो होता है माने ह्यूमन जो होता है अपने ही समान संतान का निर्माण करे, इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो तो इसमें कुछ निम्न तथ्य बातें आती है। नंबर एक गैमेटोजेनेसिस और इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन बोलते हैं। वो तो युग्मक जनन क्या होता है, वो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर इसको बोलते हैं सेक्स सेल्स माने लिंग कोशिका। गैमेट्स या सेक्स सेल्स और ये गैमेट्स या सेक्स सेल्स जो होता है हैप्लॉयड होते हैं वो, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है जेनाइटल ऑर्गेंस माने जननांग में मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता जो है वो। इसलिए जो गैमेट्स आर सेक्स सेल होते हैं वो हैप्लॉयड और यन होते हैं वो। तो कुल मिलाकर के गैमेट या सेक्स सेल का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है वो। तो ह्यूमन में जो होता है गैमेट्स टू टाइप होते हैं वो। एक को बोलते हैं मेल गैमेट्स और मेल गैमेट जो होता है इसको हम स्पर्म बोलते हैं वो। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 23 होता है वो। और इसी तरह से जो फीमेल गैमेट्स होती है वो इसको हम ओवा माने ओवम बोलते हैं वो। और ओवम भी हैप्लॉयड होती है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है 23 होते हैं जो है वो। तो ओवम जो होती है उसका साइज बड़ा होता है और यह नॉन मोटाइल होती है वो, नॉन मोटाइल या इसको अचल बोलते हैं। और जो मेल गैमेट्स होता है माने स्पर्म यह मोटाइल या चल होती जो है वो, मोटाइल या चल होता है। और इसलिए जो होता है इसको मतलब मोटाइल या चल बोलते हैं और ओवम जो होती है नॉन मोटाइल होती है। तो इसको क्या होता है, इसको इतना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंसेमिनेशन रिप्रोडक्शन का, इसमें आता है इंसेमिनेशन नंबर सेकंड प्रोसेस। इंसेमिनेशन तो इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का माने कि एंट्री कराना विजाइना द्वारा जब एंट्री होता है क्या बोलते हैं कि यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में, उस कंडीशन को इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं वो। क्योंकि दोनों फ्यूजन का गैमेट्स ओवरी के माने कि जो ओविडक्ट होता है उसमें एम्पुला इस्थमस जंक्शन होता जो है वो, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, तो उस पार्ट में जाकर के मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो। तो कुल मिलाकर के एंट्री ऑफ सीमन इनटू द यूट्रस थ्रू द वजाइना, इसको क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन कहलाता है वो। नेक्स्ट होता है नंबर थर्ड
नंबर थर्ड प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन बोलते हैं, वो निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन क्रिया क्या होती है, निषेचन क्रिया माने फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये मेल गैमेट्स हो गया, मेल गैमेट, और यहां पर ये क्या हो गई, फीमेल गैमेट हो गया। जो है वो फीमेल गैमेट थोड़ा आकार बड़ी होती है मेल गैमेट से, ये देखिए फीमेल गैमेट माने ओवम हो गया जो है वो, और ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। दोनों का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कराता है वो। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है ये टू टाइप होता है वो, नंबर वन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और नंबर सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन शरीर के बाहर हो, माने आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, जैसे कि फिश में, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, उसमें शरीर के बाहर होता है वो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वो। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो, जिस समय मेल और फीमेल गैमेट्स माने स्पर्म हो गया, स्पर्म हो गया, स्पर्म का एक पोर्शन हेड हो गया जो है वो, और एक पोर्शन टेल हो गया जो है वो। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जब शरीर के अंदर माने ह्यूमन में जो होता है वह इंटरनल होता है वो, क्योंकि दोनों का फ्यूजन जो होता है वह ओविडक्ट के, ओविडक्ट, ओविडक्ट या उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं वो, ओविडक्ट आर इट इज नोन एज द फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है वो, उसके एम्पुला इस्थमस जंक्शन में होता है वो ह्यूमन में, तो वह कहलाता है, कहलाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है वो। और फर्टिलाइजेशन के बाद जिसे ये मेल गैमेट हैप्लॉयड होता है और ओवम ये भी हैप्लॉयड होती जो है वो, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है एक बॉडी बन जाती है, और इस बॉडी को, इसको हम जायगोट, जायगोट माने कि ये डिप्लॉयड टू यन होता है वो, जायगोट बोलते हैं वो, और ये जायगोट जो होता है ये डिप्लॉयड या द्विगुणित होता है वो। तो ये क्या रहा, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट होता है क्लीवेज माने विदलन, क्लीवेज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्थ क्लीवेज, और इसको हिंदी में बोलते हैं विदलन। जैसे मान लीजिए ये जायगोट हो गया, तो जायगोट का माइटोसिस द्वारा ये हो गया जायगोट, तो जायगोट का माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा ये जो होता है पहले एक से दो सेल में डिवाइड हुआ, फिर दो से चार सेल में डिवाइड होता है जो है वो। तो माने कि जब सेल में डिवाइड हो जो है बाय द माइटोसिस, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं वो। तो दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इसके बाद क्या होता है कि इससे बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट मतलब मोरुला, और इसके बाद बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो मैंने कुल मिलाकर के जिसमें इसमें सेल डिवीजन हो उसको क्या जायगोट, उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहलाता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है इम्प्लांटेशन नंबर फोर्थ, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अच्छा इम्प्लांटेशन इस केस में क्या होता है कि जिस समय
फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल एसेसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसे ये देखिए यहां पर ये हो गया यूट्रस हो गया जो है गर्भाशय हो गया, तो गर्भाशय में आकर के जो मतलब कि जो जायगोट होता है जायगोट क्लीवेज कर जाता जो है वो, तो ये जो होता है आकर के यहां पर पहले तैरता जो है वो ये तैरता है सिलोइड होकर, इसके बाद आकर क्या होता है कि ये जो होता है यूट्रस के वाल से चिपक जाता जो है वो, तो जब ये चिपक जाता है तो इसमें बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन वह कंडीशन होती है जिसमें कि ये जो जायगोट होता है जायगोट डिवाइड हुआ, लेकिन जायगोट का डिवीजन जो है यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, एट सेल तक, इसके बाद ये जो सेल होता है माने ये पूरी जो माने बॉडी होती है ये आ करके यूट्रस यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता जो है वो, तो दिस कंडीशन इज नोन एज इम्प्लांटेशन कहलाता जो है वो। नेक्स्ट होता है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नंबर फिफ्थ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा जैसे मान लीजिए कि यूट्रस हो गया, यूट्रस में एम्ब्रियो का जो विकास होता जो है वो माने एम्ब्रियो का विकास होता है, पहले क्लीवेज हुआ फिर ब्लास्टुला फिर मारुला, इन सब अवस्थाओं से गुजरता हुआ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद ऑर्गन्स बन जाते हैं जो है वो, फिर इसके बाद क्या होता है एम्ब्रियोनिक लेयर माने इक्टोडर्म, फिर क्या हो जाता है मीजोडर्म, और फिर क्या होता है इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो ये जो तीनों होते हैं इसको बोलते हैं थ्री जर्नल लेयर्स बोलते जो है वो, माने एम्ब्रियो में जो ये फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं थ्री जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स कहलाते हैं जो है वो। और इक्टोडर्म से मीजोडर्म से और एंडोडर्म से, इन सबों से ऑर्गन जैसे मान लीजिए इक्टोडर्म से स्किन बन जाती जो है वो, मीजोडर्म से हमारा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, और इंडोडर्म से भी ऑर्गन बन जाते हैं वो। तो इक्टोडर्म से अलग ऑर्गन्स, मीजोडर्म से अलग ऑर्गन्स, एंडोडर्म से अलग ऑर्गन बन जाता जो है वो। तो ये जो तीनों लेयर होता है इसको बोलते हैं थ्री जर्नल लेयर्स बोलते हैं वो। तो माने कुल मिलाकर के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है यह निक्स अवस्था होती है वो, और फाइनली स्टेज होता है पार्ट्यूशन। नेक्स्ट स्टेज नंबर सिक्स दैट इज नोन एज द पार्ट्यूशन। पार्ट्यूशन तो पार्ट्यूशन उसको बोलते हैं प्रसव बोलते हैं वो, प्रसव या पार्ट्यूशन कहलाता है वो। इस केस में क्या होता है कि जिस समय ये यूट्रस होता है ये, और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ये इसको बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं वो, ओविडक्ट आर फैलोपियन ट्यूब। और इसके बाद क्या होता है यहां पर एम्ब्रियो का लाइफ स्पान जो है पूरा हो चुका है वो माने, और एक जो नॉर्मल होता है वह 9 मंथ एंड 10 डेज दैट इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम हार्मोन, और वह बोलते हैं रिलैक्सेशन हार्मोन।
रिलेक्सिन हार्मोन जो है इसका फॉर्मेशन जो है ओवरी में होता जो है। अच्छा, ओवरी में कार्पस ल्यूटियम द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है कि अब होती है कि ए इसके बाद ए यूट्रस की जो वाल होती है वो जिस यूट्रस की ये वाल होती है वो इसके भी थ्री मसल्स मतलब मसल्स बनी होती हैं वो, और ये भी मायोमेट्रियम मेजोमेट्रियम और द एंडोमेट्रियम थ्री लेयर होता है वो। तो इसमें क्या होता है कि मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता जो है वो ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द रिलैक्सिन हार्मोन, और इस हार्मोन के द्वारा जो होता है इन द केस ऑफ फीमेल एक कंडीशन उत्पन्न होती है दैट कंडीशन इज नोन एज द लेबर पेन, उसको लेबर पेन बोलते हैं वो लेबर पेन। अब आती है कि लेबर पेन द्वारा जो होता है यह जो होता है इसके बाद जो होता है ए मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट करके डिलीवरी को इजी कर देती जो है। लेकिन कभी कभार क्या होता है इन द केस ऑफ द फीमेल जब ए हार्मोन कुछ मैंने मान लीजिए कि कम मात्रा में इसका सिक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक मेडिसिन होती है वो दैट मेडिसिन इज नोन एज द अर्गट। अर्गट जो मेडिसिन होती है अर्गट को एक विशेष प्रकार का फंगस और उस फंगस का बोलते हैं अर्गट। अर्गट को निकालते हैं एक विशेष प्रकार का फंगस दैट फंगस इज नोन एज द क्लेबिसेप्स परपुरिया एक फंगस होता है और दैट इज द सोर्स ऑफ द अर्गट। तो अर्गट क्या काम करता है इट हेल्प इन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। माने क्या इस केस में क्या होता है कि ए माने जो यूट्रस की वाल होती है वो क्योंकि यूट्रस की जो वाल होती है यूट्रस की वाल होती है दैट इज द मेड अप ऑफ द अनस्ट्रिप्ड मसल्स तो ए वाल को ए सिकुड़ता है वो और उसके परिणाम स्वरूप ए लेबर पेन को क्रिएट करता है। तो डॉक्टर जब एर्गट इंजेक्शन देता है तो ए जो होता है इसमें लेबर पेन क्रिएट होगा और डिलीवरी को क्या कर देता है जो बच्चे को मतलब डिलीवरी को इजी कर देता जो है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये जो होती हैं दीज आर द सम पॉइंट्स दैट इज द रिलेटेड ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट साइड इन द केस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट इज द सेक्स दैट इज द स्पेशल फीचर्स ह्यूमन इन द केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक बात यह आती है कि जिस प्रकार से सभी लिविंग का एक विशेष लाइफ स्पैन होता जो है वो वैसे ह्यूमन का भी एक लाइफ स्पैन होता है और वह ह्यूमन का जो लाइफ जीवन अवधि होती है वह माना गया है कि हालांकि थोड़ा सी इधर मेडिसिन द्वारा एज बढ़ गई है और वो माना गया है नॉर्मल 72 ईयर्स माने कि 70 से 72 ईयर्स जो है वो नॉर्मल रेंज एज माना गया जो है वो जैसे थोड़ा फीमेल ज्यादा होती है 2-3 साल। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि लाइफ स्पान उसको बोलते हैं जीवन अवधि। इसमें क्या होता है कि एक 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 जायगोट बना और अगले जायगोट्स के बनने के ड्यूरेशन को हम जो होता है उसको लाइफ स्पान बोलते हैं या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस समय ह्यूमन बर्थ करता है वो उसके बाद वो प्रोसेस को पूरा करते हुए टिल द डेथ जो होती है उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पान बोलते हैं वो। और जिस प्रकार से सभी लिविंग का लाइफ स्पान फिक्स होता है उस वैसे ही ह्यूमन क्या होता है लाइफ स्पान क्या होता है वो फिक्स होता जो है वो। अब आती है कि इन द केस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और इसकी हिंदी होती है लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं वो, तो ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल हार्मोन्स, माने कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट से। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक साइड में अगर हम मेल करते हैं मेल कैरेक्टर्स, और सेकंड साइड में क्या करते हैं हम फीमेल कैरेक्टर करते हैं जो है वो, तो व्हाट इज द चेंजिंग बिटवीन द बोथ अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, माने उसके उसका एक्सटर्नल फीचर किस प्रकार से होता है जो कि विजिबल होता है वो, और उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और वह कहलाता है लैंगिक द्विरूपता। तो ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द सम हार्मोन्स, सम हार्मोन्स मीन्स इन द केस ऑफ द मेल, मेल में क्या होता है इन द केस ऑफ द 14 to 16 ईयर्स फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टिस आर इसको टेस्टिस, तो टेस्टिस से जो होता है टेस्टिस इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इन द केस ऑफ द मेल टेस्टिस इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अच्छा मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे दो टाइप सब्सटेंस निकलता है वो, एक तो इसे हार्मोन निकलता है वह कहलाता है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, और वह एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह कहलाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन ये हार्मोन जो होता है टेस्टिस से निकलता है वो, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, माने एक कब एक्टिव हो और इसको कंट्रोलिंग करने के लिए ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दैट एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह बॉडी में पाई जाने वाली अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड पर एक कंट्रोल करता है वो, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। अब आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इट डिवाइड्स इनटू द टू पार्ट्स, वन इज नोन एज द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एंगल इज नोन एज द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक को बोलते हैं एफ या सीएच और सेकंड होता है एलएच, तो एफ या सीएच और एफ या सीएच इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड होता है एलएच माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन्स जो होता है ये दोनों हार्मोन्स ये टेस्टिस से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर एक कंट्रोल करते हैं वो, माने कितनी मात्रा में हार्मोन निकलना है उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है ये दोनों हार्मोन होते हैं वो। अब आती है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह क्या काम करता है बॉडी में, इन द केस ऑफ मेल ह्यूमन इट्स कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। अब आती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को एक कंट्रोलिंग करने में काम करता है वो। इस केस में क्या होता है कि नंबर वन, जिस समय मेल की एज हो जाती 14 to 16 years, तो उस समय क्या होता है कि एज होता है नंबर वन फंक्शन क्या काम करता है कि फॉर्मेशन ऑफ द बियर्ड, माने बियर्ड एंड मुस्टियाज, माने कि यह दाढ़ी मोस को लाने में काम करता है वो। और सेकंड जो होता है एक पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल को ब्राड कर देगा जो है वो। और अगला काम क्या काम करता है कि पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल को एकदम चौड़ा कर देता जो है वो। माने पेक्टोरल गर्डिल ज्यादा चौड़ा करेगा लेकिन पेल्विक गर्डिल को कम चौड़ा करता है वो। अगला फंक्शन क्या काम करता है कि ये जो होता है माने कि जो चेस्ट पोर्शन होता जो है वो, चेस्ट पोर्शन पर और आर्मपिट, आर्म जो पिट होती है उस पर हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करता जो है। और नेक्स्ट काम क्या काम करता है कि ये जो हार्मोन होता है वॉइस पिच इन द केस ऑफ मेल, इन द केस ऑफ मेल जो होता है वॉइस पिच, वॉइस पिच को कम कर देता जो है वो। और इसी से जो मेल होता है उसकी आवाज जो होती है वो मतलब मोटी दिखाई पड़ती है। अगला क्या होता है, अगला मेल करेक्टर क्या होते हैं, इसी हार्मोन के इफेक्ट्स जो है वो, माने डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस और फॉर्मेशन ऑफ द हेयर्स, हेयर्स। और नेक्स्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सीमन का फॉर्मेशन जो है इसी हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट मेल करेक्टर इसको बोलते हैं मैस्कुलिनाइजिंग, मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं वो। नेक्स्ट क्या होता है इन द केस ऑफ द मेल, मेल में नेक्स्ट फीचर क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो, वह एब्डोमिनल, माने एब्डोमिनल जो होता है इसमें मेल एब्डोमिनल होता है माने उदरी होता है वो, उदरी प्रमुख होता जो है वो। नेक्स्ट फीचर क्या होती है इन द केस ऑफ मेल, इसमें क्या होता है कि स्किन में ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है देन द फीमेल कम हो जाती जो है वो। नेक्स्ट क्या होता है कि इन द स्किन माने पूरे बॉडी में स्किन का, स्किन पर हेयर्स की नंबर जो होती है वो अधिक हो जाती जो है वो। नेक्स्ट क्या होता है कि जो स्किन होती है वो रफ, रफ, रफ हो जाती जो है वो और ठीक दिखाई पड़ती जो है वो। ये तो रहा इन द केस ऑफ द, और एक और होता है आदम्स एप्पल, आदम्स एप्पल, आदम्स एप्पल जो होता है दैट इज सिचुएटेड इन द नेक पोर्शन। आदम्स एप्पल जो होता है ह्यूमन में जो होता है वो निकला दिखाई पड़ता जो है वो, और गुड फॉर्म होता है वो। तो दीज आर द सम। और नेक्स्ट और क्या होता है अट्रैक्शन, हार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है टू द फीमेल साइड। ये तो फीचर किसके रहे, मेल के रहे, और इसमें काफी हद तक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि इसमें प्राइमरी मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इसमें टेस्टिस होता है जो है वो, क्योंकि इसमें टू टाइप ऑर्गन्स बनते हैं, वन इज नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है दैट इज नोन एज द टेस्टिस, और जो कि मिस ग्लैंड होता है वो। मिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन निकलता है वो, हार्मोन जो होता है वह एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती जो है वो। और सेकंड जो होता है
इसी से फॉर्मेशन ऑफ द सीमेन होता जो है वो, इसमें दो चीज निकलता है वो, तो एक जो होता है वो ये तो सेक्स सेल होता जो है वो सेक्स सेल ऑर्गेनिट होता है, और ये जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इससे हार्मोन निकलता है मेल हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता जो है वो, सो इट इज नोन एज द मिक्स ग्लैंड। व्हेन वी स्टडी अबाउट द फीमेल कैरेक्टर द व्हाट विल बी हियर, इसमें क्या होता है कि फीमेल का जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज द ओवरी, ओवरी जो होती है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो है। अब आती है कि ओवरी जो है ओवरी इज ए मिक्स ग्लैंड होती है, वो मिक्स ग्लैंड क्यों होती है, क्योंकि इससे तीन हार्मोन, एक होता है ईस्ट्रोजन और सेकंड होता है प्रोजिस्टेरॉन और थर्ड होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीन हार्मोन इससे निकलते हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है, और थर्ड होता है इससे फॉर्मेशन आप जो होता है इससे ओवम होता जो है वो। तो अब आती है कि ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गया और सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे ओविडक और विजाइना यूट्रस ये सब इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। थैंक यू।